प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए पार्ट वन के स्टूडेंट के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तातारी के हवाले से है। तातारी जो है बहुत ही, ये भी इम्पोर्टेंट पोइम है, लेकिन हमारे चैनल में इसकी कोई वीडियो नहीं थी, तो आज हम इसकी वीडियो बना रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी हमारे लेक्चर में ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए। बड़ी तवज्जो से सुनना है इसको। इसमें कुछ टेक्निक्स आ रही हैं, पहले हम आपको उसकी टेक्निक के बारे में अवेयरनेस देंगे, वोकैबुलरी के बारे में, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे उर्दू से इंग्लिश में। देखें, इसमें सबसे पहले तो एक यूज़ आ रहा है वर डैश वुड का। अगर किसी फ़िक्रे में ख्वाहिश का इजहार किया जाए और ख्वाहिश वाले फ़िक्रे में हम जो है अगर का लफ्ज़ आ जाए, उसमें हम वर डैश वुड का यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? नंबर वन पर इफ़ सब्जेक्ट वर और ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है फिर उसमें सब्जेक्ट फिर वुड वर की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं बादशाह होता, इफ़ आई वर किंग, अगर मैं इस मुल्क का बादशाह होता, इफ़ आई वर किंग ऑफ दिस कंट्री, तो मैं करप्शन पर काबू पा लेता, तो मैं आई वुड कंट्रोल करप्शन। अगर मैं इस मुल्क का हुक्मरान होता तो मैं करप्ट लोगों को समुंदर में फेंक देता। इफ़ आई वर द रूलर ऑफ दिस कंट्री, आई वुड पुश ऑल द करप्ट पीपल इन टू द सी। तो अगर यही फिक्र पैसिव वॉइस में होता, अगर वो ईमानदार होता तो उसकी हर जगह इज्जत की जाती। इफ़ ही वर ऑनेस्ट, ही वुड बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। तो दूसरा ऐसा पैसिव वॉइस में होगा ऑब्जेक्ट वुड बी, ये यूज इसमें चलेगा। और उसके बाद की जो मेन वोकैबुलरी है वो देखें। सबसे पहले एन इमेजिनेटिव लैंड, एक ख्याली सरजमीन। फर्टिलिटी कहते हैं जरखेजी को। नेचुरल ब्यूटी, कुदरती खूबसूरती, फुल ऑफ, भरा हुआ होना। सोल रूलर, तन्हा हुक्मरान। डिलाइट्स एंड प्लेयर्स, खुशियाँ। आइवरी कहते हैं हाथी दांत को। रॉयल चेयर, शाही कुर्सी। प्योर गोल्ड, खालस सोना। पीकॉक्स, मोर। फिन्स, पर, मछलियों के जो पर होते हैं ना उनको फिन्स, परिंदों के पर को कहते हैं फीदर, मछलियों के पर को कहते हैं फिन्स। क्रिएट, पैदा करना। पूल्स, तालाब। रेयर फिशेस, नायाब मछलियाँ, रेयर फिशेस। और फिन जो है वो मैंने अभी आपको बताया है वो। अब इसको शुरू करते हैं हमारी जो आज की जो नज़म है तातारी। वाटर दी ला मेर एक अजीम शायर है, सादा फिक्रा है। सब्जेक्ट इशारा मुरब्जेक्ट, वाटर दी ला मेर इज अ ग्रेट पोइट। इस नज़म तातारी में वो हमें अपने ज़ाती तजर्बे के बारे में बताता है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है इस नज़म तातारी में। इन दिस पोइम, कोमा मेट कोमा ऊपर आएगा, इन दिस पोइम तातारी में। कोमे के बाद यहाँ से वो हमें बताता है प्रेजेंट डेफिनेट। ही टेल्स अस, वो हमें बताता है अपने ज़ाती तजर्बे के बारे में, इजाफी चीज़ है। अबाउट हीज पर्सनल एक्सपीरियंस, ये नज़म उसके शाराना काम का एक शाहकार है, सादा फिक्र है। दिस पोइम इज़ द मास्टर पीस ऑफ हिज पोइटिक वर्क। ततारी ये ख्याली जगह है, सरजमीन है, ये भी कह सकते हैं। सादा फिक्र है ततारी इज़ एन इमेजिनेटिव प्लेस, इमेजिनेटिव प्लेस जो कुदरती खूबसूरती, जरखेजी और खुशियों से भरी हुई है। अब यहाँ पर भी टेक्निकल पॉइंट देखें। अगर किसी भी फिक्रे में, सादा फिक्रे में जो गलत है, जो वाला शायद सादा हो, तो उसमें ना जो की नहीं करेंगे ना हेल्पिंग वर्ब, ड्रेड फुल से शुरू करेंगे, फुल ऑफ से मतलब ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। जो कुदरती खूबसूरत जखेजी और खुशियों से भरी होती है, फुल ऑफ भरी होती है, फुल ऑफ, फुल के साथ हमेशा की प्रोफेशन ऑफ, फुल ऑफ। अब देखें कुदरती खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी कोमा लगाकर, फर्टिलिटी जलखेजी एंड प्लेयर कर लें या डिलाइट कर लें, या प्लेयर एंड डिलाइट दोनों भी कर सकते हैं। और शायर तनहा इस सरजमीन को हुक्मरान बनना चाहता है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, इसमें वांट टू का यूज़ भी है। एंड द पोएट वांट्स टू बिकम इट्स रूलर या द रूलर ऑफ दिस लैंड अलोन, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं एंड द पोएट वांट्स टू बिकम इट्स सोल रूलर, सोल रूलर भी कहते हैं, वांट टू बिकम इट्स सोल रूलर, इसका तनहा हुक्मरान बनना चाहता है। तो ये तो इसका कोई भी अगर स्टैंजा आता है तो ये ही पैसेज चलेगा। उसके बाद ये जो फर्स्ट स्टैंजा इसका, हम आपको जो
मेन मेन संदेह पेपर में आने के चांस हैं वो इसी तरह ही, वो उनकी जो मेन बातें हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे और आपको इजीली पहचान भी हो जाएगी। अब वो पहला जो संदेह है पहले संदेह में वो कहता है कि अगर वो तर्तारी का बादशाह होता, वो कहता है प्रेजेंट एफर्ट है ही शेड, अगर वो तर्तारी का बादशाह होता, ख्वाहिश आ गई, इफ़ ही वर द किंग ऑफ तर्तारी, इफ़ ही वर द किंग ऑफ तर्तारी, इसी फार्मूले के मतलब इफ़ ही वर द किंग ऑफ तर्तारी, अगर वो तर्तारी का बादशाह होता तो उसका बिस्तर हाथी दांत का बना होता। ये पैसिवज का फिक्र है, तो इसमें ये होगा अगर पैसिवज का फिक्र होगा तो फिर दूसरे इसमें ऑब्जेक्ट वुड बी वर्क की थर्ड फॉर्म, तो उसका बिस्तर हिज बेड वुड बी मेड ऑफ आइवरी, उसका बिस्तर हाथी दांत का बना होता और उसकी शाही कुर्सी खाले सोने की बनी होती। फिर वही यूज आ गया वो पैसिवज में एंड हिज, एंड लगा कर एंड हिज रॉयल चेयर वुड बी मेड ऑफ प्योर गोल्ड, वुड बी मेड ऑफ प्योर गोल्ड। उसके बाद उसी रंगों के मोर उसके दरबार में नाचते, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, इसमें वही वुड का यूज ही होगा, मतलब एक दफ़ा जब हमने इफ यूज़ कर लिया तो उसकी सारी बातें जो है ना ये इसी यूज में जाएंगी। सब्जेक्ट वुड वर्क की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अब देखें मुख्तलिफ रंगों के मोर उसके दरबार में नाचते, मुख्तलिफ रंगों के मोर द पीकॉक्स ऑफ डिफरेंट कलर वुड मूव, वुड मूव नाचते, कहाँ नाचते उसके दरबार में, इन हिज कोर्ट सी ओ यू आर टी कोर्ट, और शेर उसके जंगल में आज़ादी से घूमते। फिर वही फार्मूला एंड लगा कर इसी में एंड, एंड लगा कर फिर वही फार्मूला एंड, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लगेगा एंड, यहाँ पर एंड, फिर वही फार्मूला दोबारा एंड द टाइगर या लायंस या टाइगर वुड मूव फ्रीली, आज़ादी से घूमते, कहाँ घूमते उसके जंगल में, इन हिज फॉरेस्ट, उसके बाद उसके महल के तालाब खूबसूरत और नायाब मछलियों से भरे होते। ये भी सादा फिक्र है, सब्जेक्ट इज आर और ऑब्जेक्ट, अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, उसके महल के तालाब द पूल्स ऑफ हिज पैलेस, पैलेस कहते हैं महल को, पैलेस द पूल्स ऑफ हिज पैलेस, उसके महल के तालाब, फिर उसी तरह ही आएगा। अब अगर इसमें वर्ब भी होगा तो वुड बी, उसके महल के तालाब द पूल्स ऑफ हिज पैलेस वुड बी, वुड बी वर्ब की जगह ले रहा, इसमें वर्ब नहीं तो वर्ब की जगह लेगा बी वुड बी, अब फुल ऑफ वुड बी फुल ऑफ, किससे भरे हुए होते, खूबसूरत नया मछलियों से, ब्यूटीफुल एंड रेयर फिशेज, और उनके पर सूर्य की रोशनी में मुख्तलिफ रंग पैदा करते, एंड अब उनके पर एंड देयर फिन्स, मछलियों के पर फिन, देयर फिन्स, अब सब्जेक्ट फिर वही आगा देयर फिन्स वुड क्रिएट, वुड क्रिएट पैदा करते, क्या पैदा करते, मुख्तलिफ रंग डिफरेंट कलर्स, किस में इजाफे चीज, सूरज की रोशनी में, इन दी सन लाइट, इन द सन लाइट। तो इस तरह ये मैंने ना पहला स्टैंजा किया है और बाकी भी स्टैंजे, बाकी तो सबका मवाद सेम होगा, बाकी जो स्टैंजे कर लेंगे तो इंशाल्लाह अगर ये कोई भी स्टैंजा आएगा तो आपके इसके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो क्वेश्चन किस तरह करना होगा, क्वेश्चन में ये वाला मटेरियल और जो भी आगे जो स्टैंजे आएंगे एक एक दोनों लाइनें हर स्टैंजे की डाल देंगे तो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह हर वो चीज़ जो कन्फ्यूजन वाली है हम आपको अपने चैनल के ज़रिए देंगे। अल्लाह।